हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनते हैं बच्चों, इसलिए आज का वीडियो आपको देखना ही चाहिए, ठीक है। तो आज अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में जो है बच्चों मगध साम्राज्य के उदय को देखा, फिर मगध साम्राज्य के बारे में जब हमने मौर्य वंश की स्थापना देखी बच्चों, मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को हमने पढ़ा, उसके बाद बिंबिसार को पढ़ा और आज हम एक महत्वपूर्ण शासक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम बच्चों अशोक है। और यह एक अशोक कह सकते हैं जो ये शासक है उसका न केवल साम्राज्य परिवर्तन बच्चों, उसके व्यक्तित्व परिवर्तन का भी इतिहास रहा है, क्योंकि एक ऐसा शासक जिसने केवल गद्दी के लिए अपने 99 भाइयों को मार दिया, इतना क्रूर शासक था। और बाद में चल करके उसका जो एक स्वभाव था वो बिल्कुल निर्मल सा हो गया। इन सारे इतिहास को हम पढ़ेंगे आखिर इसके पीछे कारण क्या था। तो हम बता सकते हैं कि बच्चों जब चंद्रगुप्त मौर्य ने एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य, तो कहीं ना कहीं वो नंदों से भी बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया था। उसके बाद बिंबिसार जो थे अपने पिता के नाम से जाने गए, और बिंबिसार को मैंने आपको बताया था वो केवल दो ही कारणों से जाने जाते हैं। पहला कारण बच्चों ये था कि वो एक महान पिता के पुत्र थे, और दूसरा कारण ये था कि एक महान पुत्र के पिता थे बच्चों, ठीक है। तो बौद्ध संगतियाँ कहती हैं, बहुत सारे धर्म कहते हैं कि बौद्ध जो अशोक हुआ करता था बच्चों वो काफ़ी क्रूर था, और शासक बनने के लिए मगध का उसने 99 भाइयों का कत्ल कर दिया। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं ये हमें नहीं पता है बच्चों, केवल क्योंकि हम देखिए हमें जो भी इतिहास की जानकारी मिलती है कहीं ना कहीं किसी वृतांतों को देख करके, किन्हीं शिलालेखों को देख करके। तो अशोक के बारे में जो जानकारियां हमें प्राप्त हुई हैं बच्चों वो कहीं ना कहीं अशोक के द्वारा जो शिलालेख थे उन अभिलेखों के द्वारा ही हमें जो है यहाँ पे बहुत सारी जानकारियां मिल चुकी हैं, ठीक है बच्चों। तो हम देखेंगे बिंबिसार के बाद जब बिंबिसार के पुत्र अशोक जो है बच्चों मगध की राजगद्दी संभालते हैं बच्चों, ठीक है। तो मगध की राजगद्दी पे अशोक 269 ईसा पूर्व में विराजमान होते हैं, इस बात को आपको याद रखना है, बहुत आराम से पढ़ेंगे क्योंकि जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम में आएंगे वो सारे फैक्ट मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद जो है जब ये मगध की राजगद्दी पे 269 ईसा पूर्व में बैठ जाते हैं तो ये जो है अपने उस साम्राज्य के विस्तार करने के लिए अपनी नीतियाँ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि जो भी मौर्य वंश में या फिर कह लीजिए कि मगध साम्राज्य के अंदर बच्चों सारे लोगों ने कहीं क्या किया था कि अन्य राज्यों को आक्रमण के द्वारा, विवाह की नीति के द्वारा या अन्य नीतियों के द्वारा अपने राज्य में मिलाने का प्रयास किया। उसी प्रकार अशोक ने भी इन चीज़ों को जारी रखा बच्चों, ठीक है ना। और चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये राजा बनने वाले थे तो राजा बनने से पहले बच्चों ये अवंती का राज्यपाल हुआ करते थे, और अवंती मगध साम्राज्य में कब मिलाया गया और किसके शासनकाल में मिलाया गया तो शिशुनाग वंश के जो अमात्य शिशुनाग थे उनके द्वारा ये अवंती जो महाजनपद थी इसको मगध साम्राज्य में मिलाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। नंद वंश से पहले की बात है, याद रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद जो है कहा जाता है कि देखिए अशोक का जो नाम है अशोक बच्चों वो चार अभिलेखों से प्राप्त होता है। अब वो चार अभिलेख कौन कौन से हैं, मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेतूर अभिलेख और उडेगोलम अभिलेख, ठीक है बच्चों। यानी केवल और केवल चार अभिलेखों में अशोक का जो नाम है वो अशोक की पुष्टि की जाती है, क्योंकि हमें कैसे पता चला कि अशोक किसका नाम है, हमें इन्हीं के शिलालेखों से ही, इन्हीं के अभिलेखों से ही हमें प्राप्त होता है इनका नाम अशोक था, इन्होंने ये चीज़ें किया है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा आगे, अब हम देखेंगे कि भाबरू अभिलेख, यहाँ देखिएगा बच्चों भाबरू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को राजा बताया। हमें तो पता चल गया कि अशोक नाम का कोई व्यक्ति होता था, पर यह कैसे पता चला इतिहासकारों को कि वो अशोक राजा ही था, तो वो यहाँ देख सकते हैं कि भाबरू अभिलेख जो है उसमें अशोक ने खुद को क्या किया था, राजा बताया था बच्चों। तो इस बात को भी आपको समझना है कि अशोक कैसे राजा थे। अब पुराणों में भी जब इतिहासकारों ने खंगोला तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है,
पुराणों में देखिए, क्योंकि जितने इतिहासकार हैं जब भी वो इतिहास की संकलन करते हैं, जब भी इतिहास लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक साक्ष्य की आवश्यकता होती है और इन्हीं साक्ष्यों को वो जुटाते हैं। तो अशोक के इतिहास को जानने के लिए खुद अशोक के अभिलेखों को ही खंगाला गया। जितने भी अभिलेख इनके मिले हैं बच्चों, उनसे अशोक की पुष्टि की गई बच्चों, मगध साम्राज्य की पुष्टि की गई, वहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और कह सकते हैं कि न्यायिक व्यवस्था की जो है पुष्टि की गई। तो यहाँ पर देखते हैं यहाँ बच्चों कि यहाँ पे पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन है और अपनी गद्दी संभालने के केवल 8 वर्षों के बाद ही लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया गया। अब बताइए, मैंने आपसे खुद ही बताया कि जितने भी यहाँ पे राजा हुए बच्चे, वो क्या करते थे, अपने पड़ोसी राज्यों में या तो विवाह की नीति या तो फिर कह सकते हैं कि आक्रमण की नीति के द्वारा उनको अपने अंदर मिलाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य को महान केवल इसलिए ही कहा जाता है बच्चों, क्योंकि वो एक अच्छे और योग्य शासक भी थे। उन्होंने हरदम प्रयास किया था कि युद्ध करने की नौबत न आए, तो उन्होंने एक नीति और अपनाई, विवाह की नीति। और विवाह की नीति से क्या करते थे, उस राज्य के जो भी राजा था उसकी पुत्री से, कह लीजिए, उनसे विवाह करके वो राज्य को अपने में शामिल कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे कलिंग के साथ उड़ीसा के अंदर, याद रखिएगा, आज के उड़ीसा के अंदर ये कलिंग पड़ता था बच्चों, ठीक है ना। उस समय जो है यहाँ पे कलिंग जो है मिलने के लिए राजी नहीं था मगध साम्राज्य में, तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया। और बताया जाता है कि उस आक्रमण में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से ऊपर लोग जो है वो प्रभावित हुए उस युद्ध के कारण। और यहीं से जो अशोक के हृदय में परिवर्तन होता है, अशोक की विचारधाराओं में परिवर्तन होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसलिए मैंने वीडियो शुरू होते समय मैंने बताया था कि आज का जो इतिहास पढ़ेंगे बच्चों, वो केवल एक साम्राज्य का इतिहास ही नहीं होने वाला है, बल्कि एक राजा के व्यक्तित्व परिवर्तन का भी इतिहास होगा। क्योंकि अब सोचिए, एक ऐसा भाई जिसने 99 भाइयों को मार डाला, बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि 99 भाइयों को केवल गद्दी के लिए मार दिया, और वो आकर के इस कलिंग युद्ध के बाद उसको ये लगता, अच्छा मेरे युद्ध करने से 1 लाख लोग मर गए, 1.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हो गए, तो क्या फ़ायदा है ऐसे युद्ध का। इन्होंने बहुत सारी कह सकते हैं कि अपनी सेनाओं को इन्होंने त्याग दिया और यहाँ पे इन्होंने धम्म की प्रचार करने के लिए निकल गए। और आपको बता दिया जाए बच्चों, आगे देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, ठीक है ना बच्चों, अब जब इसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन होता हृदय, तो इसने क्या किया कि सन्यासियों का, बौद्ध धर्म के जो भी लोग थे उनका इसने क्या किया बच्चों, कह सकते हैं कि संरक्षण स्टार्ट कर दिया। तो और उसमें भी ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म के लोगों का इसने संरक्षण ज़्यादातर क्या किया, रखना स्टार्ट कर दिया बच्चों। अब देखेंगे यहाँ पे आजीविकों के लिए, आजीविकों का मतलब ये होता है बच्चों कि जो भी ऐसे प्राणी जो कि आजीविक, जैसे बौद्ध समुदाय के लोग, ठीक है बच्चों, तो आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। और ये क्वेश्चन पूछता है इतिहास में, ठीक है बच्चों, अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपसे जो है एग्जाम में जब बैठेंगे तो पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा गुफा जो है वो बराबर की पहाड़ी में नहीं उपस्थित है, ठीक है ना। तो 3 दे देगा, चौथा कोई और दे देगा तो दिक्कत आ जाएगी, लेकिन आपको 4 पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो बराबर की पहाड़ी है उसमें कर्ज, सुदामा, चोपार और विश्व झोपड़ी नामक ये 4 गुफाएँ थीं। क्योंकि बरसात का जब मौसम आता था तो जो भी बौद्ध भिक्षु होके थे, या फिर कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के जो भी अनुयायी थे, जो कि कह सकते हैं कि जो सन्यासी टाइप के थे, उनको रहने के लिए बच्चों इन गुफाओं का इन्होंने निर्माण कराया था कि वर्षा ऋतु में जाकर के रह सकते हैं। अब आपको मैंने जब बौद्ध धर्म पढ़ाया था तो वहाँ भी बताया कि जब बुद्ध वर्षा दिनों में ही जो है वो विश्राम के लिए गुफा वगैरह में जाते थे, जिनका नाम हम लोग बिहार रख देते थे बच्चों, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब आप देख पाएंगे बच्चों कि बौद्ध परंपरा के अनुसार, ठीक है, बौद्ध परंपरा के अनुसार बच्चों यहाँ पे 84,000 स्तूप हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार 84,000 बच्चों स्तूप हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, बौद्ध परंपरा के अनुसार 84,000 स्तूप हैं। अब याद रखिएगा, ये स्तूप क्या है, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया था कि बौद्ध धर्म के अंदर, ठीक है ना, यानी कि कहते हैं कि जो स्तूप है ना, देखिए मुख्यतः स्तूप मैंने आपको 8 ही बताया, जो कि बुद्ध के 8 अवशेषों से बनाए गए थे। लेकिन यहाँ जो 84,000 स्तूप आपको दिखाए जा रहे हैं बेटा, ये अशोक ने उसका निर्माण कराया था, ऐसा बौद्ध ग्रंथ कहता है,
कि अशोक ने इन 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अब देखिए काहे इतना बड़ा बड़ा बढ़िया बड़ा ये लोग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ लोगों का मानना है, इतिहासकारों का, कि जो अशोक है वो ब्राह्मण धर्म का व्यक्ति था, ठीक है ना। कुछ लोगों का मानना है कि वो शैव धर्म का अनुयायी था, और सब ने अपना अपना प्रमाण दिया। तो कहते थे कि अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, फिर कल्हण की राज तरंगिणी, ये पुस्तक मैंने आपको लिखाई थी, कल्हण की राज तरंगिणी, इसमें कश्मीर के शासकों का इतिहास है बच्चों, इस पुस्तक के अंदर। और इसमें जो है ये पता चलता है कि अशोक जो है वो शैव धर्म से संबंधित था, ठीक है ना। यहाँ पे इस चीज़ को याद रखिएगा। बाद में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन जब कलिंग का युद्ध होता है और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि नहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो वो प्रायश्चित करने के लिए बच्चों क्या करता है, वो बहुत सारे बौद्ध भिक्षुकों को कह सकते हैं कि विहार बनवा के देता है, स्तूपों का निर्माण करवाता है, और उसी संबंध में इसने क्या किया कि बौद्ध धर्म अपना लेता है बच्चों, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अब याद रखिएगा कि यहाँ देखिए सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने ही कराया था, क्योंकि उस काल में कागज़ वगैरह नहीं हुआ करता था। अगर किसी को आदेश लिख करके भिजवाना है बेटा तो थोड़ा सा दिक्कत होता था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पत्थरों के ऊपर, ठीक है बच्चों, पत्थरों के ऊपर जो है कुछ चीज़ें लिख दी जाती थी। जैसे कि आप देखेंगे कि जितने भी बृहद शिलालेख थे बच्चों, लगभग 14 शिलालेखों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि 13वें शिलालेख में बेटा कलिंग के आक्रमण के बारे में हमें पता चलता है। हमें कैसे पता चला कि कलिंग का आक्रमण हुआ था, कलिंग पर विजय पाया था अशोक ने, हमें नहीं पता चलता है। हमें केवल इसलिए पता चला क्योंकि हमने अशोक का 13वां बृहद शिलालेख देखा, और 13वें बृहद शिलालेख में ये कलिंग के आक्रमण पे चर्चा की गई है बेटा, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे जो है शिलालेख मतलब पत्थरों पे आदेश लिखवाने वाला, पत्थरों पे आदेश लिखवाने वाला सर्वप्रथम जो है शासक यही था बच्चों, ठीक है। जिसको भी संदेश, मान लीजिए कि कोई एक गांव है, तो आप देखते हैं गांव का कोई भी सड़क बनता है तो विधायक जी का नाम वहीं पे लिख दिया जाता है, वो काला सा जो शिलापट होता है विधायक जी का, तो वहाँ के मुखिया जी का, ये सब नाम लिख करके सड़क के किनारे चिपका दिया जाता है कि जो भी आएगा देखेगा कि ये विधायक जी बनवाए हैं, ये मुखिया जी बनवाए हैं, और ये अधिकारी वहाँ पर उपस्थित है। इससे होता क्या है, इससे वर्चस्व एक बढ़ जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे वर्चस्व की बात नहीं थी, यहाँ पे अशोक ने ये कहा था कि मेरे आदेशों को लोगों को मानना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो मानने के लिए आदेश तो पता होना चाहिए कि आदेश क्या है। तिन्हों ने प्राकृत भाषा के अंदर जो है क्या कराते हैं कि सारे के सारे अभिलेखों को लिखवाया, और लिखवा करके शिलापट के रूप में सारे जगहों पर इन्होंने बिछा दिए बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अब चूंकि देखिए जो शिलालेख लिखे गए थे, मैंने बताया उनकी भाषा क्या थी, भाषा प्राकृत थी बच्चों, याद रखिएगा भाषा प्राकृत थी, लेकिन जो लिपियां थी, लिखने की जो लिपियां है बच्चों, आज की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि में हम लोग लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। भाषा भले हिंदी है आपकी, लेकिन आप लिखते क्या है, देवनागरी में लिखते हो, लिपि आपकी देवनागरी है, याद रखिएगा। तो शिलालेखों में 4 प्रकार की लिपियों का यूज किया गया था, लेकिन भाषा प्राकृत ही थी, ठीक है। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि और अरमाइक लिपि बच्चों, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिख के आपको बताया बच्चों, ग्रीक और अरमाइक लिपि में जो आपको शिलालेख देखने को मिलते हैं बच्चों, वो लगभग अफगानिस्तान या कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम भारत के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। और आगे देखेंगे खरोष्टी लिपि, तो खरोष्टी लिपि जो है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान हो गया आपका, बलूचिस्तान हो गया, और या फिर कह सकते हैं कि जो सिंध वाला एरिया है बच्चों, तो लगभग आप पूरा पाकिस्तान मान के चलते हैं कि जो आज का पाकिस्तान है, उस पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी शिलालेख मिले वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। खरोष्टी लिपि से क्वेश्चन पूछता है बेटा, वो क्या होता है, दाएँ से बाएँ लिखा जाता है, दाएँ से बाएँ, मतलब हम लोग क्या करते हैं, बाएँ से दाएँ लिखते हैं, लेकिन खरोष्टी लिपि के अंदर क्या था, दाएँ से बाएँ लिखा जाता था, ऐसे दाएँ से बेटा बाएँ लिखा जाता था, याद रहेगा पूरी तरह से। अब बात करते हैं कि भारत के अंदर जितनी भी लिपियां पाई गई वो ब्राह्मी लिपि में थी बच्चों, ठीक है, ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है भारत के अंदर जो भी लिपियां पाई गई वो ब्राह्मी लिपि में है। अब आगे देखेंगे बच्चों अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेखों का जो प्रकार था, जैसे मैंने आपको बता दिया जो शिलालेखों पर लिपियाँ थी वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो अभिलेख है वो बच्चा 3 प्रकार का हुआ करता था। एक तो शिलालेख था जिनमें 14 शिलालेख हैं बच्चों, 14 शिलालेखों में बेटा 13वें शिलालेख के अंदर कलिंग के आक्रमण की चर्चा की गई है, ठीक है। 7वें और 8वें में
अशोक की यात्राओं का वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी चीज क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस समय की प्राकृत भाषा थी और आज के समय में जो भाषा चलती है हिंदी चलती है, कहीं ना कहीं अपभ्रंशित हो चुका है बच्चों, ठीक है ना। तो इन लिपियों को, इन शिलालेखों को पढ़ने के लिए एक विशेषज्ञता चाहिए था, और जब हमारे यहाँ औपनिवेशिक काल चल रहा था बच्चों, तो उस समय एक कह सकते हैं पुरातत्वविद थे बच्चों, जेम्स प्रिंस बच्चों, ठीक है ना, जेम्स प्रिंसेस जो थे 1837 के अंदर जो है अशोक के अभिलेखों का, अभिलेखों को पढ़ने का काम किया। और जब अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया गया बच्चों, तो बहुत ही आराम से हमने क्या कर दिया, इनके बारे में सारी जानकारी दे दी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ स्तंभ लेख भी हैं बच्चों, और आपको बता दें कि स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो 7 है। और याद रखिएगा, जो अशोक के अभिलेख में जो स्तंभ लेख है बेटा, वो केवल और केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है, बाकी इन 3 लिपियों में आपको अशोक के स्तंभ नहीं मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकता है, आप सीधे लिखिएगा कि स्तंभ लेखों में केवल एक ही ब्राह्मी लिपि में है, जो कि क्या है बेटा, कह सकते एक ही, सॉरी यहाँ पे मैंने जो उल्टा बोल दिया, केवल एक ही ब्राह्मी लिपि में, इस चीज को आप याद रखिएगा। बाकी जो है ना, बाकी अन्य लिपियों में हो सकते हैं, केवल एक ही जो है आपका ब्राह्मी लिपि में है, इस बात को आप याद रखिएगा। और यहाँ पे 7 है संख्या, शिलालेखों की संख्या, या कह सकते हैं कि स्तंभ लेखों की जो संख्या है वो 7 है। ठीक है बच्चों, शिलालेख कितने हैं, तो बृहद शिलालेख बच्चों, जो देखो शिलालेख कई प्रकार के हैं, तो हमें केवल बृहद शिलालेख याद करने, 14 बृहद शिलालेख हैं। 13वें में कलिंग आक्रमण है, पहले में पशु बलि की निंदा की गई है, दूसरे में पशु हो या मानव हो उसकी चिकित्सा के लिए जो है बारे में सोचा गया है बच्चों, ठीक है ना। आगे देखेंगे यहाँ पे, कह रहा बच्चों की 6 स्तंभ लेख। अब याद रखिएगा, मैंने आपको तो बता दिया कि केवल एक जो है वो ब्राह्मी लिपि में है, बाकी 6 किसी अन्य लिपियों में है बच्चों, ठीक है ना। तो 6 लिपि और कौन कौन से हैं, ठीक है ना, वो 6 जो स्तंभ है और कौन कौन से हैं, क्योंकि पूरी की पूरी संख्या 7 की है, 7 में केवल एक ब्राह्मी लिपि में है, बाकी जो 6 स्तंभ है हम यहाँ देखेंगे। पहला है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख जो है, जब आप प्रयागराज घूमने जाएंगे और जहाँ पे संगम है गंगा और यमुना का, उसके पास एक अकबर का किला है बेटा, उस किले के अंदर जो है पाया जाता है प्रयाग स्तंभ लेख अशोक का, ठीक है। अकबर ने अपने किले के अंदर इसको बैठवाया था बच्चों, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दिल्ली टोपरा, मतलब टोपरा से उठा करके दिल्ली लाया गया था, ठीक है बच्चों, टोपरा से फिरोज शाह के द्वारा बच्चों, टोपरा से दिल्ली लाया गया था, याद रखिएगा, फिरोज तुगलक के द्वारा जो है बेटा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। आगे देखेंगे, मेरठ में एक कह सकते हैं स्तंभ लेख था, जिसको इसने भी क्या किया, फिरोज शाह ने ही बच्चों क्या किया, मेरठ से उठाया और दिल्ली लेकर के चला आया, ठीक है। आगे देखेंगे रामपुरवा, लौरिया आर्यराज और लौरिया नंदनगढ़, ये बेटा यहाँ पे आप जो 3 देख रहे हैं स्तंभ लेख, ये 3 स्तंभ लेख बिहार के चंपारण के अंदर हैं, बिहार के चंपारण के अंदर ये 3 के 3 स्तंभ लेख हैं, तो आपको आराम से यहाँ भी याद रखना है, ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे रानी का अभिलेख। अब देखिए यहाँ पे जो कौसाम्बी का अभिलेख है बच्चों ना, कौसाम्बी के अभिलेख को ही हम क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख कहते हैं, कौसाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, तो याद रखिएगा रुम्मिनदेही, रुम्मिनदेही स्तंभ लेख जो है सबसे छोटा है, यानी 7 स्तंभ लेखों में सबसे छोटा रुम्मिनदेही स्तंभ लेख है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे देखेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, सारे कुना, कहीं कहीं सेरे कुना पुल लिखा है, और लेकिन इसका जो एक्चुअली नाम होगा सारे कुना होता है। सारे कुना जो अभिलेख है, पूछा जाता है किन लिपियों में लिखा गया है, आपको याद रखना है ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है जो कि 2 लिपियों में इसका यूज हुआ है लिखने के लिए। भाषा प्राकृत ही है, लेकिन लिखने की जो लिपियाँ हैं बच्चों वो 2 हैं। लिखने की लिपियों में क्या है बेटा, यहाँ पे एक है आपका ग्रीक और एक है आपका अरमाइक लिपि, मतलब कह सकते हैं कि सारे कुना अभिलेख ग्रीक और अरमाइक लिपि के अंदर ही लिखी गई है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अब आपसे ये पूछे कि अशोक के शासनकाल में जो पूरा मगध साम्राज्य था कितने प्रांतों में बटा था, तो आपको याद रखना है अशोक के शासनकाल में, कह सकते हैं अशोक के समय में जो प्रांतों की संख्या थी वो 5 थी बच्चों,
प्रांतों की संख्या 5 थी, और जब प्रांत 5 थे बच्चों तो आखिर वो कौन कौन से प्रांत हैं, उस प्रांत की राजधानियां कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखेंगे उत्तरापथ, उत्तरापथ जो है उत्तर पश्चिम का एरिया था, उत्तरापथ एक प्रांत था बच्चों, उसकी राजधानी तक्षशिला थी, जहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है बच्चों, आज के पाकिस्तान में याद रखिएगा, अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ पे बच्चों, उज्जैनी है। ठीक है ना, अवंती की राजधानी उज्जैनी है, और अवंती भी क्या था, उस समय का एक कह सकते हैं प्रांत था। कलिंग, अब याद रखिएगा कि अशोक के समय में 5 हुआ, लेकिन अशोक के पहले केवल 4 ही प्रांत हुआ करते थे, लेकिन जब 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को अपने अंदर मिला लिया, अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया, तब से 5 प्रांत हो गए बच्चों। और ये 5 प्रांत में पांचवा जो था कलिंग था, जिसकी राजधानी तोसली है बच्चों। अब देखेंगे चौथा जो है आपका प्रांत दक्षिणापथ है, दक्षिणापथ की राजधानी क्या बेटा, सुवर्णागिरी है। दक्षिणापथ की जो राजधानी है सुवर्णागिरी है। प्रासी, प्रासी की जो राजधानी है बेटा, प्रासी कहने का मतलब है कि पूर्वी भाग, प्रासी कहने का मतलब है भारत का पूर्वी भाग, और वहाँ की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, जो आज का पटना है, आज का पटना ही पाटलिपुत्र कहलाता था। ठीक है बच्चों, अब जब देखेंगे पूरे मगध साम्राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को जो है संभालने के लिए लगभग 6 समितियों का गठन किया गया था, पूरी जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उसको संभालने के लिए 6 समितियां थीं, और प्रत्येक समिति के अंदर 5-5 सदस्य उपस्थित हुआ करते थे बच्चों। ठीक है, और इन सदस्यों के द्वारा जो है नीतियों का निर्माण होता था, नीतियों को लागू करवाया जाता था, और बहुत सारे कार्य थे। हम देखेंगे कि तो उस समय पर मगध साम्राज्य इतना विस्तृत था बच्चों कि किसानों से यहाँ पे आय के रूप में लिया जाता था बच्चों। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसानों ने कोई अपना उपज दिया, उपज देने के बाद बच्चों किसानों से राजस्व निकाला जाता था, और उस राजस्व से राजा का खर्चा या राजा की कह लें सेना का जो खर्चा है वो सारा चीज़ चलता था बच्चों, क्योंकि उस समय कोई औद्योगिक इकाइयाँ नहीं थी, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रशासन जो था किसानों, कारीगरों और शिल्पकारों के ऊपर ही डिपेंडेंट था बच्चों। तो उस समय राजा के दिमाग में भी ये था कि राजा जो है, मान लीजिए कि अभी तो किसान कर दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी अकाल पड़ जाए, और अकाल पड़ने की वजह से पूरा का पूरा जो गांव है, या फिर कह सकते हैं जो उस समय का शहर है, वो खाने बिना तरसने लगे। इसलिए राजा ने वहां पे क्या कराया था, मगध साम्राज्य के जितने भी राजा आए उन सभी लोगों ने यहाँ पे भंडारण की सुविधा प्रत्येक गांव में उपलब्ध कराई थी, जिससे कि बहुत ज़्यादा मात्रे में अनाज को भंडारित करके रखा जाता था, जिससे कि अकाल की स्थिति में वो सारे के सारे अनाजों को निकाला जाता था बच्चों। ठीक है ना, अब आप देख पाएंगे कि अशोक के बाद के जो भी शासक थे बच्चों, उनमें इतनी कोई क्षमता नहीं थी जिससे कि वो क्या कर सकें, पूरे के पूरे मगध साम्राज्य को संभाल सकें। और आप बात करेंगे कि जो यहाँ पे पुष्य सुंग मित्र आते हैं, जो कि ब्राह्मण शासक था, उसने पूरे के पूरे मगध साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, और एक कह सकते हैं कि नरसंहार के रूप में उसने क्या किया कि पूरे के पूरे मगध साम्राज्य को समाप्त कर दिया। आज का वीडियो कैसा लगा है बच्चों, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। केवल आज के लिए इतना रहने देंगे, आगे मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।